आज अम्बाला छावनी के बंधु नगर के नजदीक रेलवे ब्रिज के नीचे एक निजी सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे अवतार सिंह नामक व्यक्ति के बाएं पैर में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। मीडिया को दिए बयान में अम्बाला के डीएसपी श्रीराम कुमार जी ने बताया कि उपचार अभी अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। अम्बाला से कुलदीप सिंह के साथ तरुण गौड़ की रिपोर्ट। बंधु नगर के पास एक घटना घटी है जिसमें एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे तीन लड़कों ने एक सीडीएस सिक्योरिटी कंपनी का एक लड़का एम्प्लॉयर है उसके गोली मार के उसका कैश छीना। कैश सभी कितना छीना उसका नहीं पता लेकिन लग रहे हैं इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। लड़का अभी स्टेबल है, उसकी टांग में गोली लगी है। जिनको गोली लगी वो कहाँ के हैं? वो मुन्ना रेड्डी का लड़का है, अवतार सिंह नाम है। सर कितना कैश था जी? अभी उसका आप बताया नहीं गया कैश कितना, वो काउंट करके बताया। तो सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? ये उसका अपनी कलेक्शन करके ला रहा था और बैंक की तरफ जा रहा था कैंटमेंट। सी डी एस सिक्योरिटी कंपनी ये कलेक्शन करती है जो जिन्होंने ठेका लिया था उनसे। CDS रेडी है, मेरे कजन ब्रदर हैं अवतार सिंह उनका नाम है, CMS में वो कैश काम करते हैं, कैश कलेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी वो ऑपरेशन थिएटर में, अभी हमें कुछ रिपोर्ट का पता नहीं है। कुछ गोली लगी उनकी, कहाँ लगी है? गोली उनकी टांग में घुटने पे लगी हुई है। कौन सी? लेफ्ट राइट? लेफ्ट वाले पे। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी कंडीशन ठीक है? अभी कुछ नहीं बता रहे डॉक्टर, अभी हमारी बात। आप बोल रहे हैं आपका भाई? हाँ बोल रहे हैं, अभी बोल तो रहा है, वो डरा हुआ है बहुत। हाँ जी, के बारे में जानकारी कैसे मिली? फोन आया जी हमारे पास। हाँ जी, पास वाले पड़ोसी ने जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने फोन किया, तब हमें पता लगा। कितने कुछ अमाउंट के बारे में कोई जानकारी है आपको? अमाउंट अभी मेरे पास कोई बात नहीं। कुछ पुलिस ने आपसे पूछताछ करी? अभी तो बस पुलिस ने नाम वगैरह पूछा।